हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। दोस्तों अगर आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो आप सबको पता होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और आप सबकी को पता है यार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों से अकाउंट नहीं बन पा रहा, और अकाउंट नहीं बनेगा तो आप फ़ोटो कैसे एडिटिंग कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि लाइटरूम एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ताकि आप जब भी उसमें फ़ोटो एडिट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटी उसको भी कर देना ऑल में, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैं लाइटरूम एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो नीचे देख ही सकते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा साइन अप इन करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइन अप इन में क्लिक कर देना होगा, और अपना जो डेटा है उसको आपको ऑन कर लेना होगा, ये तभी वर्क करता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा ऑन हो जाने के बाद यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से लोड लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी जीमेल है ना वो यहाँ पर आपको करेक्ट करना होगा, और आप अगर नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीमेल को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी जीमेल को यहाँ से मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जीमेल आपको क्रिएट कर लेना होगा, और नीचे आपको पासवर्ड लगा लेना होगा। और पासवर्ड कैसा लगाना है दोस्तों, वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पासवर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप क्या करते हो, अपनी जीमेल का पासवर्ड लगाते हो और अपनी जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर काम नहीं करता, इस बात का आप ध्यान रखना, अपनी जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर नहीं लगाना आपको। तो पासवर्ड कैसे लगाना है आपको, ABCD ऐसे लगा लेना, बड़ा ABCD का अक्षर लिख लेना आपको A, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से छोटे ABCD का लिख लेना होगा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर आपको ऐसे लिख देना होगा। इस तरह से आपको पासवर्ड बना लेना होगा। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना होगा थोड़ी देर। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पासवर्ड करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी जीमेल है उसको आपको सही से कर लेना होगा। तो यहाँ पर मेरी जीमेल थोड़ा गलत हो गई, तो यहाँ पर मैं जीमेल को सही तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से जीमेल डालने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेट कर लेना होगा थोड़ी देर, देख सकते हो इस तरह से आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरह से पासवर्ड लगा लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड आपको शो कर दिया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे भाइयों, क्योंकि मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा यार, ठीक है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी नाम है ना वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। तो यहाँ से मैं PS, फिर नीचे आपको लास्ट नेम पर लिख देना होगा अपना जो भी लास्ट नेम आप जो भी लगाते हो, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। तो यहाँ से मैं PS एडिटर, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, और रखने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लगा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जनवरी का लेता हूँ, और यहाँ से मैं लगा लेता हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ, और क्या करता हूँ मैं यहाँ से डन में मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। डन में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेगा थोड़ी देर, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फाइनली दोस्तों, तो हमारा जो अकाउंट है ना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर बन चुका है, और आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा। और कंटिन्यू में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर लिखा आ जाएगा, देख सकते हो अपना जो अकाउंट है ना वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब आपको फोटो कैसे एडिट करना है वो चीज़ तो आपको आता होगा, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा है दोस्तों, उन वीडियो को देखकर आप एडिटिंग करना सीख जाओगे। और इसमें फ़ोटो कैसे लेना है यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर इसमें क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर अनुमति में क्लिक कर देना होगा, और आपके सामने यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से जाके उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ डेमो के लिए आपके लिए, ठीक है। फोटो लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा जाएगा नीचे, और आपको यहाँ पर सभी फ़ोटो में क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर हमारा जो फोटो ना वो यहाँ पर आ जाएगा। फोटो आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इसे बोलेगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इनको छोड़ देता हूँ, और स्क्रॉल करके इधर आ जाता हूँ, कलर वाला आइकन में आता हूँ, मिक्स में क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ग्रीन कलर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हो रिजल्ट
इस तरह से इसको ऐसे कर देना होगा माइनस और इसको प्लस कर देना होगा, तो यहाँ पर इस तरह से येलो कलर हो जाएगा। और अपने पेज में कलर करने के लिए आपको ऑरेंज कलर में क्लिक कर देना होगा और इसको आप जैसे बढ़ाओगे तो अपने पेज में भी कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो में और फिर अपने बैकग्राउंड में इस तरह से कलर कर सकते हो दोस्तों। देखते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कलर किया जाता है अपने बैकग्राउंड एंड फ़ोटो में। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं किसी कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।